हाय एवरीवन, वेलकम टू माय जॉय व्लॉग। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑन दिस चैनल। सो ये चैनल जो है बेसिकली मैंने उनके लिए क्रिएट करा है जो कि मम्मा बन चुकी हैं और जो मम्मा बनने वाली हैं, बिकॉज ये जो स्टेज रहता है न्यूली मम्मा बनने का और जो मम्मा बनने वाले होते हैं उनका, सो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हम कह सकते हैं, बिकॉज उसमें जो है एक लाइफ चेंजिंग जो है थिंग होने वाली होती है या हो चुकी होती है आपके साथ, बिकॉज आपको जो है पूरा फोकस अपने बेबी पे करना पड़ता है सारी चीज़ें छोड़ के, और बहुत सारे क्योंकि एक न्यू मामा के लिए सारी चीज़ें न्यू होती है तो उनको बहुत सारे उनके जो है क्वेश्चंस होते हैं। लाइक मैं भी एक न्यू मामा हूँ, अभी जो मेरा बेबी है वो 15 मंथ का हो चुका है। सो इनिशियल डे से लेके जब मैं आई वॉज प्रेगनेंट एंड टिल नाउ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आती हैं हमारे पास कि इसके लिए क्या करा जाए, बच्चे को क्या दिया जाए, कैसे दिया जाए, कैसे टेक केयर किया जाए। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, सो जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो किस तरीके से जो है वो सारी क्वेरीज जो है मैं आपकी सॉल्व करूंगी, तो जो पर्सनली मैंने फेस करी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि मैंने कैसे उसको रिजॉल्व करा। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, वो आपको आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना के ला सकूं। सो बेबीज से रिलेटेड चीज़ों के साथ साथ मैं यहाँ पे जो है थोड़े बिग बेबी जो होते हैं 5 ईयर्स तक के बेबी, सो उनसे रिलेटेड भी कंटेंट मैं यहाँ पे शेयर करूँ। आई विल शेयर विद यू द करिकुलम, किस तरीके से बच्चे को एंगेज करा जाए। सो मीन्स ओवरऑल बेबी से रिलेटेड कंटेंट जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपका भी स्मॉल बेबी और किड है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूँ इन फ्यूचर उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। सो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।